हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अभी एक भर्ती आई हुई है। जो भर्ती किसका है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की एक भर्ती आई हुई है, जिसमें देखते हैं किस प्रकार का सीट है और किस किस तरह के वैकेंसियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी डिटेल्स इस वैकेंसी को हम लोग अपने देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बता दें, जो भर्ती आई हुई इग्नू के माध्यम से भर्ती आई हुई है और ये गवर्नमेंटेड भर्ती है। तो इसमें किस पोस्ट का भर्ती आया हुआ है? तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, यानी जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट का किया है, भर्ती आया है। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? तो टोटल पोस्ट है अपनी 200 है। एज लिमिट क्या रहेगी आपको इसमें? 18 से 27 ईयर्स तक एज लिमिट रहती है। और इसके अप्लाई का ऑनलाइन डेट कब तक है? तो अपना 22 मार्च, यानी 2 दिन पहले से हो रही है, और 20 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फी कितना है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना फीस है? 1000 है। और एसटी और एससी के लिए कितना फीस है? 600 है। और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए कितना फीस है? 600 रुपये। चलिए अब एजुकेशन हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन क्या उसके लिए मांगेगा। तो एजुकेशन इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। तब इसके साथ साथ आपको इंग्लिश में टाइपिंग का 40 का स्पीड होनी चाहिए, 40 WPM, या हिंदी में 35 WPM आपकी टाइपिंग का स्पीड होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि किस विभाग में, किस कैटेगरी में कितने मतलब सीटें हैं। तो अपना जनरल का जो सीट है वो कितनी है? 83 है। ईडब्ल्यूएस का सीट कितनी है? 21 है। और ओबीसी का सीट कितनी है? 55 है। और एससी का सीट कितना है? 29 है। और एसटी का सीट कितना है? 12 है। टोटल पोस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 200 हो जाएगा, टोटल 200 पोस्ट है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और आप लोग इसको फॉर्म को अप्लाई करके अपॉर्चुनिटी को ना खोए, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें और फॉर्म डाल करके आप लोग एक बार परीक्षा दें। परीक्षा आपको लगभग जुलाई या अगस्त में आपको ये परीक्षा पड़ेगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएँ, और ये बहुत ही अच्छी एक भर्ती है। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।